नमस्ते, वेलकम ऑल ऑफ यू हमारी तरफ से. थैंक यू फॉर कमिंग इन टुडे. एंड दिस इज आवर डायरेक्टर राकेश धवन. बहुत ही उम्दा काम करते हैं ये. मेरे मामा विश्वनाथ चैटर्जी, इनको तो हम बचपन से हम सब इनके फैन हैं, मिस्टर सायाजी शिंदे. और मैं हूँ शायोनी. और हमारी फिल्म है ये मित्रा चल रहा है ट्रक ने. और वेलकम ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर. रियली अप्रिशिएट. थैंक यू आप लोग आए. वेलकम. रियली सबसे पहले वैसे तो सारी हम फैमिली फिल्में करते हैं, मतलब अच्छा सामने देख के बात कर रहे हैं. तो ये फैमिली फिल्म है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है कि हमने कलकत्ता, वेस्ट बंगाल और पंजाबी का एक कल्चर एक मिक्स किया है. तो कंट्रास्ट कल्चर है, एक फैमिली ड्रामा है, कॉमेडी है. और सबसे यूनिक बात है कि इसमें शायोनी जी हैं, शिंदे सर हैं और विश्वजीत जी हैं. तो ये हमारी पंजाबी इंडस्ट्री के लिए अच्छी बात है कि एक नेशनल चीजें मतलब हुई है. मुझे मैंने कहा था मुझे बोलना नहीं आता, मुझे बुलवाना आता है. ये सवाल आप इधर उधर से पूछ लेंगे. ठीक है. देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि पहली बार जब मुझे कॉल आया बात हुई और मैंने सुना इतने बड़े बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो और मैंने कहा कि मुझे तो पंजाबी बोलनी नहीं आती, मतलब जिस तरह की टिपिकल ठीक पंजाबी फिल्म की बात आती है. तो नहीं, आपका किरदार कुछ अलग सा है, बंगाली है और कलकत्ता में शूट करना. तो मुझे इतना मजा आया कि बंगाल में बैठ के मैं पंजाबी फिल्म कर रहा हूँ और जिसमें हम इंद्रबाजी हैं, सब लोग हैं और उनके साथ बंगाली एक्सेंट लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, जबकि मैं हिंदी में करता हूँ. देखो, वहाँ पर मजेदार बात यह है कि इन्होंने इनके राइटिंग में, ये कॉमेडी फिल्म है, इनके राइटिंग में मजेदार बात ये कि इन्होंने ना सारे छोटे छोटे न्यूएंसेस जोड़े कि माछे सुरछे तले माछ भाजा और ये सब जो बंगाल का अपना जो कल्चर है उसको जोड़ा ऊपर ऊपर सुपरफिशियली. इसके बाद पंजाब में जब शूट करने गए तो वहाँ का कल्चर इतना प्यारा जोड़ा है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगता है. सरदार आदमी बंगाली बोले या ऐसा, तो फेशियल वाइज वो ऐसा लगता है कि सामने से डबिंग हो रही है. बड़ा मजा आया. चाइनी और मतलब ये FDI से, हम NSD से, तो एक अलग तरह की दोस्ती होगी. सर से तो सब लोग सीखते ही हैं और बेहतरीन काम है सर, आप अपना होता ही कुछ. आने ने पहली बार मैंने पंजाब में फिल्म किया है और बस मजा आया है. सबको जानता हूँ, अच्छे लोग काम करते हैं और बस एक तारा सा विलन है बेचारा, आपको औरतों को तकलीफ देता है बेचारा, औरत फिर वाइफ के लिए और लड़की को तकलीफ देते बेचारा. आपने कहा सुनता है वाइफ का, हर कुछ उसी मामला चलता है. लेकिन क्या बोलते हैं, एक इंटरेस्टिंग फिल्में मनोरंजन करती है और लोगों को बहुत पसंद आएगी. कुछ ऐसा खास डार्क नहीं, कुछ नहीं, बहुत लाइफ में जाने वाली फिल्म है, लोग बहुत इंजॉय करते. आप फिल्म देखेंगे तो बिल्कुल बेचारे नहीं है यार, मैं बस बोलना चाह रही हूँ. बहुत बहुत स्वीट इंसान है जिंदा सर जिंदगी में, पर बिल्कुल बिल्कुल बेचारा. उस वक्त जब कलकत्ता में शूट चल रहा था, हम सब लोग शूट कर रहे थे, तो एक तरफ दंगा टाइप का हो रहा था जो कलकत्ता में कुछ प्रॉब्लम था, तो मतलब समझ लीजिए SB रोड में दंगा हो रहा है और लिंक रोड पे हम लोग शूट किए जा रहे हैं हाईवे पे. तो बड़ा ही और टाइम का मैं प्रेशर में आके ह्यूमर करना और अच्छी तरह से अभिनय कर पाना और पूरी टीम के साथ में काम करना, मजा आ गया और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा. यहाँ पर हम लोग सब लोगों ने हिंदी फिल्म, मराठी फिल्म में काम किया है, लेकिन पंजाब के इनके साथ काम करके मजा ही आ गया. मतलब इन द सेंस हमेशा वहाँ पर कोई भी आएगा प्रोजेक्ट तो पहली बार पंजाबी फिल्म में एक बंगाली सॉन्ग है, ये एक नई बात है मेरी फिल्म के लिए, अच्छा लगा. और ये डायरेक्टर है, डायरेक्टर राइटर जी. जी जी
अमरिंदर जी नो डायरेक्ट करना बहुत ही सौखा है क्योंकि वो सुनते हैं, वो सुनते हैं, वो डेडिकेटेड है, वो मतलब एक डायरेक्टर एक्टर है। एंड बस तो पहले भी जितनी फिल्म आई है, चल मेरा बुद्ध आई है, जो भी आई, थोड़ा ट्रेलर मौके पर ही आता हूँ, बट बहुत ईजी है इन्होंने काम करना क्योंकि वो मेरी सोच के ना उमें ही है जिम्मेदा मैं सोचता कि फैमिली वाली गल हो कुछ रोंग मैसेज ना जाए समाज में, तो उमें सोच सेम रखते तो मैं वाइस लगता हमेशा ईजी हो जाता काम। अमरिंदर जी के तारीफ में मैं कुछ कहना चाहूँगा, पहली बात तो एज अ पर्सन वो बहुत प्यारे हैं, मतलब मैं यहाँ से गया पहली बार मिले, बहुत ही अच्छा वक्त गुजरा, आई एम श्योर तुमने भी आप लोग को भी बड़ा मजा आया। एक और चीज़, एक एक्सीडेंट हो गया था छोटा सा, सॉरी मैं अगर बोलना चाहूँगा, पैर के ऊपर चोट लग गई, वो ऑटो कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा सीक्वेंस, उसके बाद मुझे मेरा दूसरे दिन में शॉर्ट था उसका चलाना, लेकिन उन्होंने बाकायदा वो करके दो घंटा सिर्फ डिले करके क्रेप पहन के किसी तरह से पेन में है लेकिन वो खड़े होकर या वो शॉर्ट मिले, मैंने देखा बहुत ही अच्छा काम किया और डेडिकेटेड होता ना कि शो मस्ट गो ऑन पैसे वाले, तो मैं उनके तारीफ करता हूँ। I love watching rom-coms. मैं जब भी कुछ फिल्म देखना होता है मैं rom-com देखने की इच्छा होती है। जितने OTT में जितने rom-coms है सब मैं देख चुकी हूँ, कुछ कुछ तो मतलब 3-4 बार भी देख चुकी हूँ, कि तो इतना अच्छा लगता है। हम बड़े हुए हैं शाहरुख खान को देख के और यू नो वो एक जो सिनेमा देखने की उसमें सब जो इमोशंस है वो है, एंड टू बी एबल टू डू अ rom-com as an actor I love doing rom-coms, you know, romance and just to do comedy on screen is such a joy, and everything that sir had written was telling us to do, it was really fun. Or to play opposite, you know, wo aise hero heroine wala, aur sir mujhe aake bolte the aap na heroine hai, ha aap na aise hi kariye, aap jitna sakte, and that for me because I have also done various kinds of parts, बहुत भिन्न भिन्न तरह के किरदार निभाया मैंने, इसमें जो एक जॉय है ना उसमें बहुत मजा आया। और अमरिंदर सर मैं जितना बोलूँ कम है उनके लिए, वो सच में इतने इतने सुंदर इंसान हैं इनसाइड आउट, इतने हम्बल है, इतने नॉर्मल है, इतने जेन्युइन है, कोई उनमें बाकी यू नो वो बहुत बड़े कलाकार हैं, बहुत पॉपुलर हैं, बहुत प्यार मिलता आ रहा है उनको इतने सालों से, पर वो आप उनसे मिलेंगे तो वो कभी नहीं लगता है कि ये भी यू नो ही सो नॉर्मल एंड ही मेक्स यू फील सो वेलकम एंड कंफर्टेबल। और उनके साथ बना के, क्योंकि एक्टिंग इज सो मच अबाउट व्हाट यू कैन मेक विद योर को एक्टर, अगर आपको मिलता नहीं है आगे से सामने से आप बना नहीं पाएंगे, तो वो अमरिंदर सर के साथ वो सीन्स क्रिएट करने में इतना मजा आया, एंड इट वाज ऑनेस्टली मेरा पहला, मैंने पंजाब में पहले शूट किया है काफी, पहली बार मैं पंजाबी फिल्म कर रही थी, और आई एम ओनली ग्रेटफुल बिकॉज इतने अच्छे लोग हैं यार, जितने दिलदार लोग हैं, उतना अच्छा खाना है, उतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी है, बहुत हमें इतने अच्छे से रखा, इतने अच्छा महसूस करवाया, एकदम फैमिली की तरह, एंड देन टू हैव वर्कड विद यू नो स्टॉलवर्ट्स लाइक दीज पीपल। शिंदे सर इतने मतलब एक कुछ कुछ सीक्वेंसेस है, मैं ज़्यादा बोलूँ कि क्लाइमैक्स में आई वॉज सो इंस्पायर्ड टू सी दिस मैन हाउ ही वॉज डूइंग इट, सीरियसली यू नो हैट्स ऑफ सर। एंड ये मेरे मामा हैं, मेरे जो पापा बने हैं, वो जो एक्टर है ना वो एक्टर के साथ काम कर कितना मज़ा आता है, और ये जो हमारे डायरेक्टर साहब है ये भी एक्टर है हाँ तो और ये कमाल के डायलॉग्स लिखते हैं, 2 सेकंड में ऐसे कॉमिक डायलॉग्स, इतना ह्यूमर है इसके इनके अंदर भरा हुआ, तो सच में बहुत मजा आया। और जब मैंने लाइनअप देखा और डबिंग के जो भी देखा, मुझे लगता है मजा आएगा क्योंकि मुझे बहुत मजा आया, तो या इट वाज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। इनके लिए तो मैं एक लाइन में सारा कुछ बोलूं कि जब जब ये स्क्रीन पे आते हैं ना तो मेरी फिल्म यहाँ चली जाती है, ये ट्रू है, क्योंकि अच्छे एक्टर जब सर के पास भी, शायद 1 दिन पहले 2 दिन पहले सर को मैंने कॉल किया शाहरुख शिंदे जी को, कोई स्क्रिप्ट नहीं थी लेकिन उन्होंने इतना सपोर्ट किया हमें कि जो भी बोलना तुरंत पिक करते थे, उनको इतना जेल करते थे कि मुझे अब देख के लग रहा है कि यार मेरी फिल्म इन 3 महान अदाकारों की वजह से यहाँ पहुँच गई है, सो इनका थैंक यू, ये अपनी तारीफ में नहीं बोलेंगे और मुझे तारीफ
प्रोड्यूसर डायरेक्टर पहली बार हम लोगों ने काम किया है, मल्टी कार्ड बैठती है तो एक अच्छा फिल्म एक लाइट फिल्म का फिल्म बहुत ही मुझे लगता है कि पंजाबी लैंग्वेज और बंगाली लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज का था ब्लेंड अच्छा है. It's actually multilingual, you know, and Punjabi है but Bangla भी है और इतना सुंदर एक मिश्रण है दोनों का. इतना मैंने it's a love story of the two characters, अमरिंदर जी का character सत्ता और मेरा character जो है अमिता. बहुत सुंदर love story है पर it's actually a love story between Bengal and Punjab and we have so much in common, you know, culturally. So there is really that and when he has written it, I think he came from that place of love and reverence from both sides for each other, you know. एक प्लस पॉइंट ये जैसे सर वहाँ लिखते थे ना लिखते लिखते इनकी ग्रूमिंग वैसी है कि कभी कभी लिखा हुआ है कि क्या सिचुएशन दूसरा है आज दिन दूसरा है कुछ ऐसा कुछ है तो इम्प्रोवाइज करके तुरंत लिखते थे. और सर का ये प्लस पॉइंट था कि जैसे हम दोनों बंगाली हैं और वहाँ पर फादर जो थे तो बंगाल का कुछ अच्छा यहाँ पर ये चीज़ क्या होता है वहाँ पर अगर पराठे और सफ़ेद मक्खन का आया तो यहाँ क्या होता है यहाँ पर क्या रिचुअल तो उसको वो तुरंत इंकॉर्पोरेट कर लेती थी अपनी स्क्रिप्ट में. इसलिए वो मजा आया कि मतलब मराठी यहाँ पर आएगा तो केचा और वो हम उसको जोड़ेंगे पैसे करके तो उसलिए हम लोग को करने में भी काफी अगर कहा जाए उमरस है सब कुछ है लेकिन अंदर तक इंटेंस है. एंड यू नो एज एन एक्टर आई जस्ट वांट टू ऐड क्लियरली दैट यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर डायरेक्टर्स जो आपको स्पेस दे टू क्रिएट समथिंग जो आपको ट्रस्ट करे. And that is, you don't get it every time. You hope to get it every time. But when you get it, you can really fly and really do something, you know. And wo director ka jo trust hota hai, wo aapka performance ko better hi banata hai. And I would really say on behalf of all the actors that thank you for trusting us. And thank you for giving us the space. Kyunki maine inko jaake bola bhi tha. मेरी पहली फिल्म है पंजाबी और आपने इतना खतरनाक कैरेक्टर दिया मुझे. So thank you so much. मैं तो कह रहा हूँ इनको कुछ आप देख ही रहे हैं हम बहुत एक्साइटेड हैं. आप देखिए आप हमें बताइए आप कितने एक्साइटेड हैं. बहुत कम मूवीज बॉम्बे में प्रमोट होती है ना पंजाबी. अभी एक्साइटमेंट है कि आप लोग आए हैं. थैंक यू आप लोग का भी और बाकी आप देखिए 11 को दो दिन रह गए. सॉरी सुनो मुझे भी स्क्रीन्स कितने मतलब स्क्रीन्स नॉर्थ में कह रहे हैं. देखो सर टोटल 1023 है स्क्रीन्स है 1023 तो 850 तो समझ लीजिए आप ये बंगाल का छोड़ के. अच्छा अच्छा ऑल ओवर इंडिया में ऊपर वाला चीज का एंड देन वर्ल्ड वाइड भी है कनाडा यूएस राइट यूएस आल्सो बड़ा मार्केट है मालूम करे आप लोग बड़ा कर रहे हैं धीरे धीरे पंजाबी सिनेमा आगे आ रहा है सर. It's quite lovely, no? Because I mean, it's my birthday day after Durga Puja starts day after, which is you know really auspicious for us. And the film is releasing on the 11th, which is Ashtami, which is you know the main day of the Pujo. So it's really auspicious, and I don't think ye plan tha, but aise I think it's a blessing, and you know when wo ek blessing hai, aur I think we can only be grateful. We are very excited. I am not somebody who gets excited before time. I'd like to take things in and just feel grateful. I really hope ki log dekhe. और देख के बहुत हमें जितना मज़ा आया उससे कई ज़्यादा आपको मज़ा आए. एंड आई रियली थिंक इट्स अ फिल्म वी विल बी प्राउड ऑफ वंस वी सी इट. एंड प्लीज़ टेल अस आपको कैसा लगा और क्या टेल अस हाउ यू फील बट प्लीज़ गो वॉच द फिल्म. एंड मैंने कॉमेडी की है मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस वजह से. बहुत अच्छी की है. और हमारे जो प्रोड्यूसर है ना कार्ज पंजाब में सिर्फ एक यही बंदे हैं जो कि कंट्रास्ट कल्चर पहले एक वेक प्रार्थना भी इन्होंने की थी अलग अलग चीजें लेके आते हैं इन्होंने मतलब यही है जो ऐसे स्टेप उठाते हैं और फिर अच्छा रिजल्ट भी आता है तो उनके लिए भी थैंक यू. उन्होंने एक मौका दिया पूरी टीम मतलब डीओपी विनीत जी का काम विनीत मल्होत्रा सब उनके बारे में बताइए क्या ड्यूटी दी इन्होंने हमें. विनीत मल्होत्रा जी ऐसे संत इंसान है
जिनसे हम सब इंस्पायर्ड हैं, और वो हमेशा हंसते हुए इतना कमाल के काम करते हैं, और या आई थिंक ही रियली सेट द मूड ऑफ द यू नो द शूट, एंड वी रियली नीडेड दैट कामिंग इफेक्ट, एंड ही इज फैंटास्टिक, इज ब्यूटिफुल, एंड इनफैक्ट अमरिंदर जी, यू नो हमारा बहुत बड़ा टीम है, कारज पाजी, अमरिंदर जी, सुनंदा, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, बहुत अच्छे यू नो टेक्नीशियंस हैं, सो आई होप वी ऑल सॉर्ट ऑफ गेट टू मीट एंड सेलिब्रेट द फिल्म टुगेदर। टीम के सारे लोग जितने भी थे, मैंने ये देखा हरदीप जी जो कि कमाल के एक्टर है, हरदीप जी साउंड, उन सब स्ट्रॉन्ग टीम एकदम वॉइस की, और मैं लकी हूं कि मुझे इस बार विनीत जी मिले हैं पहली बार। सर एक्चुअली ये देखा जा रहा कोइंसिडेंट है, यही बात कर रहे थे कि अचानक फिल्म शुरू और धीमे धीमे सारे खांचे में सही बैठते गए, अच्छा डीओपी, अच्छा ये, अच्छा टाइम पे हो जाना, और कहीं प्रॉब्लम चल रही फिर भी उससे इजीली निकल आना, और फिल्म इतने जल्दी मतलब 11 तारीख को मेरा भी चट मंगने पट वे हां इसी को बोलते हैं भैया, ऐसा ही हुआ जी 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 हमें जैसा कैरेक्टर चाहिए था, क्योंकि पंजाब में बहुत, पहली बात तो हमारे पंजाब में हीरो भी चार ही हैं, पांच कह लीजिए, और हीरोइंस भी हमारे पास एक दो ही हैं, तो जैसा हमें कैरेक्टर चाहिए था तो वो उनमें दिखा, अपनी वर्क स्टाइल, उनकी लुक्स हैं, वो करते रहते अपने आप पे काम, तो हमें समझ नहीं आता क्या किसको ले किसको ले, तो एक उनका वो जो आप बोले कि वर्क स्टाइल थी, जो उनकी लुक्स पे वो काम करते हैं, तो वही एक पॉइंट था जो देख के मुझे लगा कि इनको कास्ट करना चाहिए, और उन्होंने बहुत अच्छा निभाया। मुझे तो पहला दिन हम जब शूट करने गए, एंड वी वर, आई वाज रियली वेटिंग, वी वर ऑल वेटिंग टू सी यू नो हु द अदर गर्ल इज, एंड आई रिमेंबर गोइंग एंड टेलिंग यू, आई वाज लाइक ये तो बहुत बहुत अच्छा किया उन्होंने, और वो देख के लगा कि ये है, ये करेक्ट है, you know, so that really, I think it's a please film देखो, बहुत सुंदर किया है। जैसे वो हैं वैसा ही रोल लिखा गया, तो उनको इतना जेल हुआ कि उनको कुछ करना ही नहीं पड़ा, एफर्ट ही नहीं है, इतने अच्छे एक्सप्रेशन दिए उन्होंने हर सीन में। एंड हम दोनों में एक सीन है जो कि मेरा वन ऑफ माय फेवरेट सीन्स इन द सबका कुछ का बैठ जा, अभी बैठ जा आराम के साथ। माइक ले लो।